तो फाइन अभी कम हो गया है, तो बस अब देखते हैं मैम मान जाए बस कि ये फाइन कम करवा लिया है मैंने, जितना भी पहले 2,000 का था अभी बहुत कम है, तो अब देखते हैं। तो स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में, और अभी हम लोग जा रहे हैं कंटेंट के कॉलेज। ये अभी गाड़ी में जूझ रहा है, गोबर का चटिया साफ बास। चलो चलते हैं, पहले इसका सामान ले आए घर का, फिर निकलेंगे। तो यार अभी ये भाई साहब फिर कपड़े बदलने आ गए थे, हाँ तू फिर गोबर देख ले। तो चल अब निकल रहे हैं हम लोग इससे कॉलेज, चलते हैं। तो यार अभी हम लोग रुक गए हैं क्योंकि मेरी ये जो गाड़ी है इसका जो स्विच है ये थोड़ा टूट गया है, तो बस अभी अब स्विच बदलवाएंगे फिर आगे बढ़ते हैं। तो बस अब चलते हैं, हमारा स्विच तो बदल चुका है, ये रहा स्विच। चल भैया ड्राइवर हवा डालो, गाड़ी निकालो, हवा डलवाना, हवा कहाँ डलेगी, हवा आगे डल जाएगी। चलो चलें, नया स्विच तो दिखा दे, सेल्फ स्टार्ट वाला स्विच डल गया है। अब चलो अब चलते हैं, आज गाड़ी ही के सारे काम करेंगे, पहले पेट्रोल डला लिया, स्विच बनवा लिया, अब हवा डलवाएंगे, सारे काम आज गाड़ी ही के होंगे, कॉलेज पहुँच ही नहीं पाओ, इतने काम करवा लो गाड़ी को। तो अभी हो रही बाहर बारिश, तो हम लोग रुक गए चाय पीने, ये भाई साहब बैठे हैं चाय के इंतजार में, और बाहर हो रही है बारिश, तो बस अभी चाय पीते हैं, बारिश रुकती है तो निकलेंगे। नहीं क्या, फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं, मतलब पहुँचने वाले हैं अभी कॉलेज, बारिश हो नहीं रही है, पर यार इतने टाइम बाद यहाँ पे आए हैं, और ये रोड इतनी प्यारी बन चुकी है भाई, बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ यहाँ पे, तो अभी बस चलो कॉलेज पहुँचने वाले। तो फाइनली हम इसके कॉलेज पहुँच चुके हैं, प्रसिद्ध कॉलेज ज्ञान गंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जी, हाँ तो चलो कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस यही बोल लो। चलो अब देखते हैं क्या काम है। यार हम लोग आए बहुत गलत टाइम पे, अभी लंच चल रहा है, लंच ख़त्म होगा उसके बाद काम होगा हमारा। तो यार लंच इनका ख़त्म हो गया है, अब इन लोगों ने दिया है हमको ये नो ड्यू सर्टिफिकेट, जाओ इसको वो करवा के लाओ, भरवा के लाओ। चलो अब इसको भरवाते हैं उसके बाद देते हैं। तो अभी हम लोग आए हैं पहला पड़ाव अपना पूरा करने, जो कि है लाइब्रेरी, मंगला लाइब्रेरी है, बस यहाँ के साइन लेते हैं, सब देखते हैं ब्रांच पे जाएंगे। यहाँ पे इनने एक कांड कर दिया है कि लाइब्रेरी से इनने बुक इशू करवाई है, और अब बुक पता ही नहीं है कहाँ है, तो बस देखना है कि बुक का क्या करना है, फ़ाइन भरते हैं या बुक ला के दो। मैम बोल रही बुक ला के दो, कहाँ से ला के दें। तो भाई जो पूरा फाइन पड़ा है वो पड़ा है 2,000 रुपये का, और बुक का अमाउंट अलग देना है, ये भाई साहब ने कलाकारी करी है। और अभी अब फिर भैया से बात करके हमने सर से बात करवाई थोड़ी, तो फाइन अभी कम हो गया है, तो बस अब देखते हैं मैम मान जाए बस कि ये फ़ाइन कम करवा लिया है मैंने, जितना भी पहले 2,000 का था अभी बहुत कम है, तो अब देखते हैं। तो फाइनली सारे साइन हो गए हैं, अब बस बचा है अकाउंट्स का, जहाँ अपन को भरनी है फ़ाइन, ये भाई की कृपा से अब फाइन भर के सीधे वो करेंगे घर चलेंगे मार्कशीट लेके। तो फाइनली भाई की डिग्री ये रही, और ये 500 का नोट भी मिला है, किस बात का 500 का नोट वो मिला वो नहीं पता, पर ये है कि फाइन हमारा पूरा जीरो हो गया। अच्छा गाड़ी उधर, सॉरी, हाँ तो ब्लॉग बनाने में रह गए थे, तो ये डिग्री मिल गई है, तो अब चलते हैं कुछ खाएंगे फिर घर चलते हैं। तो यार हम लोग कपड़े लेने विशाल मेगा मार्ट जाने वाले थे, बहुत दूर पड़ता वो, हम लोग ने देखा यहीं खुल गया है, इसे कॉलेज के बाजू में ही मिल गया, तो अब यहीं देख लेते हैं कपड़े। तो अभी फाइनल तो हो नहीं पा रहे कपड़े, ये दोस्त मैं लेने आया था कपड़े, इसने ले लिया अपनी दो टी शर्ट, मेरे को मिले ही नहीं रहा, समझ ही नहीं आ रहा क्या लूँ भाई, इतने सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, देखते हैं, ये देखो पूरा भरा पड़ा है। फाइनली अपनी शॉपिंग ख़त्म हो चुकी है, इतना सामान भर लिया है, अब ये पता नहीं गुड्डा गुड़िया देख रहा है ये पागल आदमी, क्या करेगा देख के पता नहीं। चलो मेरा तो हो गया, अब बस बिल कटवाते निकलते हैं। शॉपिंग भी ख़त्म हो गई, ये अच्छा लंबा चौड़ा बिल कटवा लिया, और ये भाई ने नहाने के लिए लूफा भी लिया है, तो बस अब चलते हैं घर, बारिश होने लगी धीरे धीरे, तो अब ये भाई का ये सामान पूरा गाड़ी उठाएंगे घर चलते हैं कुछ खा के। अभी हम लोग जा रहे हैं घर, वो भी बिना बारिश के रेनकोट पहन के, क्योंकि अगर रास्ते में हो गई तो हम लोग कहीं नहीं रुकने वाले, तो अब सीधे घर चलते हैं। A few moments later. यार हम लोगों के साथ मौसम ने प्रैंक कर दिया, हम लोग रेनकोट पहन के निकले थे कि भाई बारिश होगी रास्ते में, यहाँ पे धूप निकल आई है, अब क्या है रेनकोट उतार रहे हैं, समोसे खाने रुके हैं तो बस रेनकोट उतारते हैं, समोसे खाएंगे फिर चलते हैं घर। तो भाई साहब लेमिनेशन भी अभी करवाना था, 12 बजे के निकले, 6 बज गया, घर नहीं पहुँच पा रहे हम लोग, ये देखो अब लेमिनेशन भी अभी होगा, बाहर में नहीं हो सकता कुछ, सब अभी करवाएंगे, घर नहीं पहुँच पा रहे। चलो भाई अब ये करवाए जल्दी तो निकलते हैं। तो फाइनली सारा काम निपटा के मैं घर आ चुका हूँ,
अब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे फिर चलते हैं देखते हैं। तो यार जैसे कि आपको पता है मैं जा रहा हूँ बाहर, तो अभी मेरे को काम मिला है ये पूरा पैकिंग करने का। तो ये मैंने पूरे कमरे की हालत ख़राब कर रखी है, बस अब इसको समेटूंगा फिर खाना खाते हैं फिर निकलते हैं वॉक करने। तो अभी मैं निकला हूँ खाना खा के वॉक करने, तभी आया कॉन्टेंट के पापा का कॉल कि उन्होंने मेरे को घर बुलाया है। तो बस अभी जाता हूँ कॉन्टेंट के घर, क्या मैटर है देखता हूँ। अभी कॉन्टेंट के घर से निकला हूँ, एकदम से बारिश आने लगी है, सोचा था थोड़ी देर वॉक करूँगा पर अब बारिश आ रही है एकदम से, अब सीधे घर जा रहा हूँ। तो वो अब घर चल के मिलते हैं।